सो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राखिया। हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती है, मार्केट में प्रोडक्ट्स इतने सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करती हूँ, मैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस करती हूँ। और उसमें से सबसे जो टॉप लेवल पे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं और जिससे आपकी वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपकी स्किन जिससे क्लीन हो सकती है, क्लियर हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, फ्रेश रह सकती है, प्लम्प रह सकती है, आपकी स्किन रेडिएंट हो सकती है, मतलब स्किन के जो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकते हैं, वो होते हैं एसिड से। लेकिन पता क्या नहीं होता है कि एसिड को यूज कैसे करना है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से एसिड यूज करने है, कुछ नहीं पता होता है लोगों को। बस आपको किसी ने कुछ एडवाइस दिया, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं आज आपके साथ में जनरली शेयर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे तीन इंपॉर्टेंट एसिड है जिसको आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से यूज किया जाए। जिसमें से नंबर वन पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको 90% प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड करते हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो टीनेजर से लेके आप 50+ 60+ लोगों को तक यूज करते हुए देखोगे। ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बहुत सारे होते हैं, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, मैनिलिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं। सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा है। इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा होने की वजह से आपकी स्किन की डीप लेयर में पेनिट्रेट हो पाता है। ये वाटर सेल्युबल एसिड्स होते हैं और आपकी स्किन की आउटर लेयर पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। ये हमारे स्किन के जो आउटर लेयर के सेल्स होते हैं, आउटर लेयर पे कौन से सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स और हमारे जो इनर सेल्स होते हैं, स्किन की जो डीप लेयर के सेल्स होते हैं, उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी कि ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। इन शॉर्ट, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये वो फिजिकल वाला एक्सफोलिएशन नहीं करता है, जैसे आपने किया डेड सेल्स निकल रहे, ऐसा नहीं। ये सीधा बॉन्ड ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स है वो झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक पीलिंग का इफेक्ट मिलता है। ये पीलिंग का इफेक्ट इज नथिंग बट जो ऊपर की डेड सेल्स की लेयर है वो निकल रही है और आपकी फ्रेश न्यू स्किन जो है वो बाहर आ रही है। ये फ्रेश स्किन आपकी रेडिएंट होती है, ये फ्रेश स्किन आपकी ग्लो करती है, हाइड्रेटेड रहती है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड एक और काम करता है, आपकी स्किन को थिक बनाता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर कोलेजन, जिसकी वजह से हमारी स्किन से रिंकल्स और लाइन्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है। मतलब ग्लाइकोलिक एसिड इन शॉर्ट आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, आपके पोर्स को ये अनक्लॉग करता है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, हाइड्रेट बनाता है और आपकी स्किन टोन को इवन करता है। इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट काम करता है वो है पीलिंग सॉल्यूशन। अगर आपको नॉलेज भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ पे जाके ही ये सारे प्रोसीजर करें। बिगनर लेवल पे अगर आप इसको यूज करना चाहते हो या सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में इसको यूज करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है फेस वॉश यूज करने का। ग्लाइकोलिक एसिड के आप फेस वॉश यूज कर सकते हो, इसको आप दिन में 2 बार आराम से यूज कर सकते हो। इसके आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी स्किन को ये हार्म नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा। अगर आप इसके सीरम्स यूज कर सकते हो तो 10% के जो ग्लाइकोलिक एसिड के सीरम्स है वो मैक्सिमम है आपके डेली यूज करने के लिए, जिसको आप दिन में 1 बार यूज कर सकते हो। फेस वॉश के अलावा आप इसको टोनिंग के लोशन में यूज कर सकते हो, इसको कॉटन बॉल में लेकर आप अपनी स्किन में टैप कर सकते हो। ये भी लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं और आपकी स्किन में बेनिफिट भी देते हैं विदाउट इरिटेटिंग योर स्किन। उसके बाद आप इसको एक्सफोलिएटिंग पैड्स में यूज कर सकते हो, पैड्स भी बहुत अच्छे होते हैं आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, बम्प्स, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स को दूर रखने के लिए और आपकी स्किन को हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक्सफोलिएट करते रहने के लिए। तो ये पैड्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी स्किन का रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो और इसके फायदे उठा सकते हो। इसको यूज करने के बाद आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिलता है, ग्लाइकोलिक एसिड यूज करेगा आपको इंस्टेंटली कुछ मिनट्स में ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा, लेकिन इसका जो पीक रिजल्ट है, जैसे इसका फॉर एग्जांपल एंटी एजिंग इफेक्ट, इसको दिखने के लिए आपको एटलीस्ट 10-12 वीक्स लगते हैं। लेकिन आपकी स्किन में पिंपल्स, बम्स, ये सारी चीजों का रिड्यूस होना, ये आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिख जाता है। अगर आप नेचुरल तरीके से केमिकल एक्सफोलिएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे थोड़ा सा मिल्क और ऐड करती हूँ सिर्फ 1-2 बूंद एप्पल साइडर विनेगर की।
नहीं होगा तो नॉर्मल विनेगर डाल दीजिए, थोड़ा सा दही, दही को मिले थे उसके पानी के साथ में, जिसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको रख दीजिए आधा एक घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद में अगेन इसको मिक्स करें और इसको जब अपनी स्किन में अप्लाई करोगे, इसमें AHA का भंडार है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे एसिड्स का इसमें भंडार है। ऑब्वियसली उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है जो आपके प्रोडक्ट्स में एसिड्स डाले जाते हैं, लेकिन इसको दिन में दो बार आप यूज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर आप इसको यूज करोगे, ये आपकी स्किन में वही केमिकल एक्सफोलिएशन वाला रिजल्ट देगा, धीरे देगा लेकिन देगा, बिना कोई खर्चे के, बिना कोई इरिटेशन के। हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आप इसको दो दिन में एक बार यूज करो, इससे ज्यादा यूज ना करें, और पैच टेस्ट जरूर करें। कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट कंपलसरी है। इसको लेके आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन में अप्लाई करेंगे, एक फेस मास्क की तरह इसको अप्लाई करेंगे, वेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप अपनी स्किन को वॉश करेंगे। ट्रस्ट मी, 2 से 3 दिन के बाद ही जब आप इसको यूज करने लगोगे, अपनी स्किन को वॉश करने लगोगे ना, आप अपनी स्किन को ब्राइटर, रेडिएंट होते हुए देखोगे। इससे आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपकी स्किन टोन इवन होती है। अगर आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, तो वो सूखने लगेगी, आपकी स्किन के जो भी क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो घर में नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करने के लिए। दूसरा जो एसिड है जिसको आपको अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना है, वो है हायलुरोनिक एसिड। हमारी स्किन में जो प्लम्पनेस दिखता है, हमारी स्किन में जो वाटर का कंटेंट दिखता है, जो मॉइस्चर दिखता है, जो हाइड्रेशन दिखता है, जो फ्रेशनेस दिखती है, जो यूथफुलनेस दिखता है, वो हायलुरोनिक एसिड के वजह से दिखता है। हमारी स्किन का ये मेन कंपोनेंट होता है जिसके वजह से हमारी स्किन का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही हमारी स्किन एज होती रहती है, हमारी स्किन में जो वाटर का कंटेंट है वो लूज होने लगता है, यानी कि हायलुरोनिक एसिड का जो लेवल है वो डिप्लीट होने लगता है, जिसके वजह से हमारी स्किन एजेड लगने लगती है। हमारी उम्र उतनी होती ही नहीं है जितनी हमारी स्किन बताती है। तो ऐसे में आप हायलुरोनिक एसिड को एक्सटर्नली अप्लाई करके आपकी स्किन में हायलुरोनिक एसिड का लेवल बढ़ा सकते हो। कितना परसेंट आपको हायलुरोनिक एसिड देखना चाहिए? 2% या 2% से कम जो भी प्रोडक्ट होते हैं हायलुरोनिक एसिड के, आप वो यूज करें। ग्लाइकोलिक एसिड आप इवन टीनेज में यूज कर सकते हो, 17-18 में अगर आपको एक्ने, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन हायलुरोनिक एसिड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 20 के बाद यूज करें, क्योंकि आफ्टर 20 यूज का आपकी स्किन में डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, तो आप उसको 20 के बाद यूज कर सकते हो। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह आप रात में यूज कर सकते हो, दिन में नहीं, तो दिन के लिए मैं प्रीफर करती हूँ हायलुरोनिक एसिड, क्योंकि ये मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्प बनाता है। अगर आप इसकी प्रॉपर रूटीन बनाना चाहते हो, डे टाइम की रूटीन, तो आप शुरू कर सकते हो क्लिनजर। यह है L'Oréal Paris का हायलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लिनजर। ये क्रीमी क्लिनजर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, स्किन से आपकी इम्प्योरिटीज को, डर्ट को, अगर कोई मेकअप रेसिड्यू है उसको तक रिमूव करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है विदाउट ड्राइंग योर स्किन, दैट इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर फेस वॉश हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन में एजिंग के साइन जल्दी दिखने लगते हैं। ये आपकी स्किन को ड्राई तो करता ही नहीं है, आपकी स्किन को जेंटली क्लीन भी करता है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड भी बनाता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है ये फेस वॉश, और ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। तो ये एक तरीका है हायलुरोनिक एसिड को अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करने का, इसको आप दिन में दो बार यूज कर सकते हो। अगर आप 20-23 के भी अबव है तो HA क्लिनजर के साथ इंक्लूड करें एक HA सीरम को अपनी स्किन के रूटीन में। बेस्ट हायलुरोनिक एसिड सीरम वो होता है जिसमें सिर्फ हायलुरोनिक एसिड हो, और वो भी राइट कॉन्सेंट्रेशन में हो, जो मिलता है आपको L'Oréal Paris के हायलुरोनिक एसिड सीरम में, जिसमें 1.5% का कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। का टेक्सचर इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट है, इतना अमेजिंग है, इसकी 4 ड्रॉप्स आपको लेनी होती है बस, और इसको लेके अपनी स्किन में डैप डैप करके अप्लाई करें, इसको अच्छे से मसाज करें अपनी स्किन में, या आपकी स्किन में अब्सॉर्ब इतना अच्छी तरीके से हो जाता है। लाइट वेट है, सुपर लाइट वेट है, नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी है, पैराबिन फ्री, अल्कोहल फ्री ये प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ आपको हायलुरोनिक एसिड मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर के लेवल को बढ़ाता है। डॉक्टर्स जो है वो हायलुरोनिक एसिड को ह्यूमेक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, और कितना, 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 1000 गुना ये आपकी स्किन में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे आप सोच सकते हो कि आपकी स्किन कितनी हद तक हाइड्रेटेड दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी। और अगर आप इसकी प्रॉपर रूटीन बना रहे हो तो सीरम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो हायलुरोनिक एसिड का जेल क्रीम। ये L'Oréal Paris का हायलुरोनिक एसिड जेल क्रीम है, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी क्रीम को डिफरेंट बनाती है मार्केट में बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि इसमें है माइक्रो हायलुरोनिक एसिड, जो आपकी स्किन की डीपर लेयर में जाता है, डीपली पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये ट्रांसलूसेंट पर्ली
जेल जब आप अपने स्किन में अप्लाई करते हो ये इजीली ग्लाइड ऑन हो जाता है आपकी स्किन में. नॉन ऑयली लाइट वेट नॉन स्टिकी ये जेल क्रीम है जिसको आप अपने स्किन में अप्लाई करके जब भी मसाज करोगे आपकी स्किन इससे हाइड्रेट होगी, मॉइस्चराइज होगी. पूरे रेजिम का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी स्किन के जो भी एजिंग के साइंस है जैसे आपके लाइन्स और रिंकल्स वो डिक्रीज होने लगेंगे, आपकी स्किन में मॉइस्चर का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी स्किन रेडियंट दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी. क्योंकि वाटर का कंटेंट, मॉइस्चर का लेवल, हाइड्रेशन ये एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन की एज को घटा भी सकती है, आपकी स्किन की एज को बढ़ा भी सकती है. तो इसको बढ़ाओ ताकि आपकी स्किन की एज कम हो जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है, आपकी स्किन को रीजनरेट भी करता है. अगर आपकी स्किन में कोई वुंड हो गया है तो उसको ये हील करता है. ये एक्जिमा जैसी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी स्किन से वो सारी चीज़ों को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है और आपकी स्किन में रेडनेस वगैरह होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उसको भी रिड्यूस करता है. मतलब आप इसका लेवल समझ सकते हो ये ग्लाइकोलिक एसिड से कितना डिफरेंट है और इसका काम कितना अलग है. ठीक है, बूस्ट फ्रेश जब हाइलोरोनिक एसिड का मुझे एक डोज चाहिए होता है तो मैं इसके शीट मास्क यूज करती हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार, जिससे मेरी स्किन और भी ज्यादा फ्रेश, प्लम्प, यूथफुल और ग्लोइंग दिखती है. हाइलोरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट जैसे विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड ये सारी चीजों के साथ में आप इजिली कंबाइन कर सकते हो. स्पेशली अगर आप इसको अप्लाई करोगे रेटिनॉल्स के बाद में तो आपकी स्किन कभी ड्राई होगी ही नहीं. उसके साइड इफेक्ट, रेटिनॉल्स के साइड इफेक्ट होते हैं वो आपको नहीं होगी, आपकी स्किन इरिटेटेड नहीं दिखेगी. तीसरा एसिड जो आपकी स्किन के लिए जरूरी है वो है सैलिसिलिक एसिड. ये वही काम करता है लगभग जो आपने ग्लाइकोलिक एसिड में देखा, लेकिन इसका यूज जो है वो थोड़ा सा अलग है. सैलिसिलिक एसिड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है. जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाटर सोल्यूबल था, ये आपके आउटर लेयर में ज्यादा काम करता है. बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑयल सोल्यूबल एसिड है, यानी कि ये आपकी स्किन के डीपर लेयर में जाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि आपकी स्किन के डीप लेयर में ऑयल होता है. तो ये आपकी स्किन के डीप लेयर, आपकी जो लिपिड लेयर होता है वहां पे जा सकता है, फैटी लेयर वहां पे जा सकता है, ऑयल को डिसॉल्व कर सकता है. तो ये कब काम आएगा? ये काम आएगा एक्ने के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन उससे बेहतर जो एकदम डीप में कौन सी चीज होती है? ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स. तो ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है. ठीक है, एक्ने पिंपल्स आपके ग्लाइकोलिक एसिड तो सॉल्व कर ही रहा है. सैलिसिलिक एसिड भी काम करता है जैसे एक्ने, एक्ने स्कार्स, एग स्पॉट्स और मेलास्मा के लिए भी, यानी कि ये भी पिगमेंटेशन के लेवल पे भी काम करता है. जब भी पीलिंग की बात आती है ना तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है, लेकिन इसको आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके करवाओगे तो और अच्छा होगा. नहीं करवाना है तो आपको इसके जेल्स यूज करें, ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, क्रीम्स मिलती है, जो पैड्स जो मैंने ग्लाइकोलिक एसिड का बताया वो मिलता है, टोनिंग सोल्यूशन मिलते हैं, जो आपको यूज करना है करें. डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, योर स्किन प्रॉब्लम्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब यूज करना और कितने टाइम में यूज करना है. वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, कौन से प्रोडक्ट को आप कितने टाइम यूज कर सकते हो कौन से रिजल्ट के लिए, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट करें. ठीक है, अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करना नहीं चाहते तो ग्लाइकोलिक एसिड की तरह सैलिसिलिक एसिड भी आपको नेचुरल चीजों में मिल जाता है, जैसे कि पुदीना, मिंट जो होता है, मिंट लीव्स, इसमें भी भरपूर मात्रा में सैलिसिलिक एसिड होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो. अगर आपके बम्स वगैरह है, आपके ब्लैक हेड्स है, इसमें आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा एज कम्पेयर टू जो मार्केट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, डेफिनेटली आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये भी आपके लिए काम करेगा. इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा फ्रेश मिंट लीव्स. पुदीने के पत्ते को अच्छी तरीके से धोकर उसको क्रश कर लीजिए और इसका जूस जो है इस एलोवेरा जेल में डाल दीजिए. उसको बस ये दो ही चीज डालनी है और कुछ नहीं डालना, इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है. अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है. इसकी क्रीम बनानी है आपको, इसको लेकर आपको रात में सोने से पहले अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है. ट्रस्ट मी, 2 दिन में आपके सारे एक्ने पिंपल्स सूख जाएंगे इससे. ठीक है, और इसको रेगुलर बेसिस पे आप अप्लाई करते रहोगे, आपके पोर्स अनक्लॉग होने लगेंगे, ऑयलीनेस आपका स्किन का कम हो जाएगा और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे. तो ये एक DIY क्रीम है सैलिसिलिक एसिड के लिए. हाइलुरोनिक एसिड के लिए आप DIY नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको किसी नेचुरल चीजों में नहीं पा सकते. ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्केट वाले प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं. तो जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है उन सब प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना. और जो DIYs मैंने आपके सामने शेयर किए हैं उसको आप ट्राई करना, और जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उसको एक बार जरूर चेकआउट करना. कोई भी DIY या प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपनी स्किन में पैच टेस्ट जरूर करना. तो गाइस, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और वाकई में आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम भी आएगा. सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में.
तब तक के लिए टेक केयर, बाय।